हमने के कथा प्रसंग को चल जाए नमन बाबू कथा प्रसंग मनुष्य के जीवन में दो तीन को खुशी आवेला ब्याह भाई लड़का भाई घर बनो खेत किनाई नौकरी मिलन बिल्कुल खुशी है लेकिन सबसे बढ़न खुशी कहा जानता नहीं उचित समय पर जब मृत्यु होला वो करने बढ़न खुशी की कुछ चाचा जी के उचित समय पर चाचा जी के स्वर्गवास भजबा लड़का भैया से बेसी खुशी बा मौका के काजर बिना मौका के जून के बून कुजून के घाड़ा एबर है लाइट बिता जाए तो बाउर लागे एबर है लाइट बिता जाए तो बाउर लागे सवेर होई ना बतो जाए तब बाउर लागे हो जे कावना का डीजल अधिक भर भरे उचित समय पर मृत्यु होला लड़का भैया से बेसी खुशी होला आई है ठाव ठाव हो जाला तो जा होला जे चुप रह जा बड़ी बहन छती भाई हां उचित समय पर मृत्यु होई बा तेगो कथा सुनी मानस ओ समय के बात बा पिताजी के स्वर्गवास बाप के स्वर्गवास जेकरा चार गो बेटा आ चार गो बेटा में ओहु बेटा घरे नहीं खन दू जना बन में आ दू जना ननिहाली देखी बाप का बेटा से तो रिश्ता बटले बा भाई से भाई का प्रेम कतना होखे के चाहे मानस में तुलसी बाबा दर्शन राजा दशरथ जी के अंतकाल हो गए मृत्यु हो गए राम राम कही राम कही राम राम कही राम तब पर हर रघुवर विरह राम गए भगवान राम लक्ष्मण जंगल में बालू अब भरत शत्रुघ्न निहाल में बाड़े दूत भेज के वशिष्ठ जी भरत शत्रुघ्न के बुलवाओ तनी भरत जी जब अयोध्या में आइए आई समाचार पहुंचे जे भैया हमार गांव में नहीं खा तो बिलख कर जय अयोध्या नगर भरत जी अपना भाई का वियोग में अपना माई के जौन शब्द के प्रयोग कइले बाड़े एह बेरा के जौन बहुत बेहुदा लड़का होई उहो उ शब्द अपना भातारी के ना प्रयोग करी हां जौन भरत जी मानस में अपना भातारी से कहले बा जे बनमा भेजत तोहरा भइल न पिया जरन न जीवि मुहा पर भाई का चलते अपना माई के अपना नानी के परतोख देता है कहते हैं जननी तू जननी भाई अपना माई के कहते हैं जननी तू जननी भाई माता के कहे के कहते हैं हमारी ते सिद्ध कर देवे कि जैसन सावा वैसन रोटी जैसन माई वैसन के कहे के महतारी राजा के धर्म पत्नी एक दिन राजा केक के भोजन परोस के थरिया आगा धो के आ कहली जे खाई खाई महाराज राजा के हाथ धोत रहे आ तले दूगो चिउटी उनका थरिया का नियारा पहुंचे ले हां राजा के पस भाषा जानत रहले अब अंतर ये रहे जे एगो चुटिया जात के डोमिन रहे आ एगो ब्राह्मणी रहे ब्राह्मण जात के जन चुटी रहे राजा केक के थरिया पर चढ़ के एगो चाऊर के दाना उठा के लेके चल जल हां आ जब डोमिन चुटी पहुंचे लगल थरिया का नियारा तो ब्राह्मण चुटी जन रहे कहे अपना भाषा दे रे अरे राजा का खाना छुई दे छुई दे कर अरे बछोरे अब देखी जीव के अपना प्रति प्रेम देख के राजा के ठठा के हंस दे अब उनकर धन पत्नी माने के कोई के महतारी कहते जी महाराज महाराज रागा भोजन धइ बा और ओरा हसनी हम काहे पहले जे बड़ी अद्भुत बात न करे बताई कहे जे बताई तबे पतल हो जे कहे जे उनका वरदान के संग संग श्राप भी रहे के पसभाषा यदि केहु मानव को बता देबो तो तू पत्थर हो जे हां राजा के पसभाषा जा हां कहे जे हे रानी इस बात यदि बता दे तो हम पत्थर हो जाए अब के कई के बात कर जे पत्थर ला पहाड़ हो जाए लेकिन बता बताओ
राजा के मन में विचार कैले जे मेहरारू के जीत हो अभी मानी ना तो हे जब बताए तो पत्थर हो जाए तो कोनो बुरब काई तो बगाना से खुरपा पी जावे लगी तो चलो एकरा के उचित स्थान पर जे करे चलो तरह के काशी में बता दे अब देखी मेहरारू का चलते राजा के काशी में जात रहे पत्थर पर रास्ता में घटना घटता रास्ता में जात लोग पति पत्नी एगो इनार रहे ओर से आधा ओकर भिटिया ढहि गए हां आ ओकरा इनारा का भिटिया का भीतरी पौढ़ल दुबला जा रहे आ वही पर एगो बोका एगो बकरी चरत अच्छा बकरिया गाभिन गाभिन गर्भवती रहे अच्छा गोभिनाई रहे अब अपना भाषा में अपना बोका से कहते जाहो हमरा कहो भीतरा वाली दुबिया ले आ लिया गना ये दादा बड़ी बंद करता अपना भाषा में कहते जे गिर जाई गिर जे गिरी तू कहे सुना सुना गिर जे बत कहा हमरा को ले आ लिया दो आ वही समय राजा के अपना मेहरारू के लेके गुजरत रहे मेरे के कई के मार हां अब बोका कले सुनो सुन हम राजा केक ना है जे जातरा में हरार के चलते पत्थर हो के पहले लगालो सुन का पेट में सिंह हूं बच के कोई में दूर खाता रहे इनरे में तब राजा केक पहले जो हो तो हमरा तो हमरा पता नहीं बोका बकरी मारे लगे बोका बकरी मारे लगले सत्ता में भाई बोका बकरी हमरा पता ना मारे कहे रानी चलो घर चलो आ ले ले घर आओ है लगा अब ना सुनबू उहे परतोख भरत दे तरे के माई साबित को धर जे संतुर माई रहे थे इसने ते माई लेकिन हे माई हमारा बताया करो अरे बता तो ये माई जब हमारा का बेटा मानता रू तो ये को हमार विनती सुनो हमार भलाई को दो खाली तने बतावो जे भैया के कवना बन के आदेश देले बोले अरे बता दा ये माई कौना बन में भेटू भैया के साफिन का है ना भइलू गाय हो के बछरी से गाय बोलनी रे दुष्ट उठा तक करे ना दे नहीं ना थारे तारी से वार्तालाप करत रहे वशिष्ठ जा के गंज भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल तिलक कहई मुनि ना हा मिला भजीवन मरण जस पजस विधि भरत जी के समझाओ तनी वशिष्ठ जी कहे भरत विधि के विधान हो एकरा के टारे वाला के नहीं छे घर बन एके हो सुख दुख मय के हो कहले भरत जी जे गुरुदेव हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस जब बुढ़िए के हो तो बिलखी कहहि मुनि ना तो रुक कहे कहतनी हंस के कहे लिखी को एकर माने जे भैया के बने गोला के दुख रहु रो ई तो समझावे के नीति है जोर हमरा के समझाओ था भाजी गुरु जी से बिलख के करे बाबा जोन बात रो हमरा के समझाओ था वो बात को रोरो विचार करी रोरो रोक काहे हां भरत जी के बात के जवाब वशिष्ठ जी के लगना रहे पर जी भरत ई छ गो के धरती पर केहू जन्म नहीं के मानो हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि के विधान हो हई तहरा बाबूजी के लाश तेल में डुबा के नाव में रखल बा तहरा के काहे खातिर बुलावल बा विधि व्यवहार करो करो इहे समाज के रीति हो क्रिया बाबूजी के हो ये भरत बाबूजी के कोन क्रिया बाबूजी के हो
छोरी बछिया के पहरा दी ओबरी उनके के कछा त लग रहा था ना उनका में तो भाना उनका मेरा हो गया ई त बाउर हो गई माने अपने पहले हबो लइकन के पहरा दी हबो बा मेरा रे में नटल हता लइकन भरवी के समझा देले से कहते भर जे कुछ ना भी भर तो बाबूजी के वशिष्ठ जी के बतावला के अनुसार श्राद्ध क्रम कैला के बाद भरत जी फिर आवत रहे अपना माई से हाथ जोड़ के कहते जी माई करम पट कलस फेरा बरसे आ पीछी मरल माई आ दई बचल वलन डाव घाव के करा से हम माई इत इतिहास के पन्ना में लिखा गईल कि भरत के चलते राम के मन हो गई लोग कही की धोम करत ना आ जगवा हसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना भेजा के हो ना तभी प्रबिंद के आगे कहले श्री गुरु चरण बनाई सोचत मन में चलले मन में समाज दई तू सबके धारा धानी के जाना अयोध्या के एक दिन के राजा बने खाती रोज रोज इंद्र ललाइत रहत रहले आ वो अयोध्या राजधानी के दुगो भाई मिल के आपस में प्रेम का वजह से फुटबॉल बना के किक उठा देले भरत राम मिले राम जाइले अब भैया के मनावे खाती जाता रे पाया पुराण का में भिखारी ठाकुर के भाव अरे पाया नाम भरत जी अयोध्या राजधानी से बिना पन्ही के पैदल जंगल के रास्ता धले यही प्रसंग में विराम लागल सोना का छिमे धाका।